नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। कोरोना सर्टिफिकेट चेकिंग से मची अफरा तफरी। एसडीएम दीपक कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, राजस्व विभाग आदि टीमों ने नगर के सुभाष चौक, शास्त्री चौक, एमबीडी चौराहा, मंगलोर रोड पुलिस चौकी और यूनियन पर लोगों की सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीमों को ऐसे लोग मिले जिन्होंने अभी तक कोरोना रोधी टीके की पहली डोज भी नहीं लगवाई थी। टीम ने उन्हें हड़काते हुए सीएचसी भेजकर उनका वैक्सीनेशन कराया। वहीं आपको बता दें कि एसडीएम ने सभी दुकानदारों, फल सब्जी आदि की रेडी लगाने वाले को अपने पास कोरोना वैक्सीन का प्रमाण पत्र रखने का निर्देश भी दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जांच दौरान किसी भी व्यक्ति के पास प्रमाण पत्र नहीं मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नशीला पदार्थ खिला युवती को पिता की बाइक समेत ले गया युवक। कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी एक युवक 18 वर्षीय युवती को उसके पिता की ही बाइक पर बहला फुसला कर ले गया। पीड़ित पिता ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि आरोपी युवक ने उसकी पुत्री को बहला फुसला कर परिजनों को रात में नशीला पदार्थ खिला दिया। सुबह जब वह उठे तो जहां उसकी पुत्री गायब थी वहीं घर में रखे आभूषण और नकदी भी गायब थी। आपको बता दें कि पीड़ित पिता के मुताबिक इधर उधर पूछने पर पता चला कि उसी के गांव का आरोपी युवक उसकी पुत्री को उसी की बाइक पर बैठा कर अपने साथ ले गया। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई करने की गुहार लगाई। मास्क न लगाए तो मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी दवा। कास्ट नगरी में मास्क न लगाना भारी पड़ेगा। ये लापरवाही बरतने वालों को मेडिकल स्टोर पर दवाई नहीं दी जाएगी। साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों को अपने अपने यहाँ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी और उस पर प्लस ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर रखना होगा। यदि निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक बिना मास्क के दवाई देते पाएंगे तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी अधिकारियों से छुट्टी की गुहार लगाते आए नजर। कहा, छोटे बच्चे हैं, मेरी ड्यूटी काट दो। अभी चुनाव प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ और ड्यूटी कटवाने के लिए सीडीओ कार्यालय पर भारी संख्या में कर्मचारी पहुंच रहे हैं। ड्यूटी कटवाने के लिए दिए गए आवेदनों में तरह तरह के बहाने बनाए गए हैं। चुनाव आते ही सैकड़ों कर्मचारी बीमार हो गए तो कई ड्यूटी कटवाने को अलग बहाने बना रहे हैं। आपको बता दें कि सीडीओ विजय कुमार ने कहा कि वाजिब कारण होने के बाद ही ड्यूटी काटी जाएगी, अन्यथा सभी कर्मचारियों को मतदान की ड्यूटी हर हाल में करनी होगी। सहारनपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। सहारनपुर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। लगातार रोजाना 200 प्लस केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं आज स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जनपद में 443 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद अब सक्रिय मामले बढ़कर एक बार फिर से 2279 पर पहुंच गए हैं। बृहस्पतिवार को पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी सीओ सदर अजेंद्र कुमार व चिलकाना थाना प्रभारी राजेश कुमार भारती ने चिलकाना पुलिस व अर्धसैनिक बल के साथ नगर चिलकाना सुल्तानपुर के सभी मेन बाजारों, गली मोहल्ला में फ्लैग मार्च निकाला। इस अवसर पर सीओ सदर अजेंद्र कुमार ने नगर की जनता से शांतिपूर्ण मतदान करने और नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग देने की अपील की। सहारनपुर से भाजपा प्रत्याशी राजीव गुम्बर ने समाजवादी में शामिल हुए मुहर्रम अली पप्पू को लेकर बोला हमला। सहारनपुर प्रत्याशी राजीव गुम्बर ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुहर्रम अली पप्पू जैसे लोगों को पार्टी में शामिल करे, इसी से समाजवादी पार्टी की मानसिकता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को शामिल करे जो कि 2014 में दंगे का मास्टरमाइंड था। देखिए, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता कर क्या कहा। आज नगर निगम के कुछ पार्षदों और कुछ पूर्व पार्षदों एवं इनके साथियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। आदरणीय विजय कालड़ा जी जो हमारे नुमाइश कैंप गोपाल नगर क्षेत्र से पार्षद हैं और हमारे गौरव चौधरी जी पटेल नगर सुभाष नगर से पार्षद हैं, इन्होंने हमारे पूर्व पार्षद, पूर्व सभासद श्री प्रवेश धवन जी, श्री अपना अनिल लड़ाई,
श्रभय गौड़ जी, रोमी आहूजा जी, रवि सैन जैन जी और इन समस्त साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। पुष्पेंद्र जैन जी और अन्य कार्यकर्ता जो पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज समाज का पूरा वर्ग आदरणीय योगी जी और मोदी जी की नीतियों को देखते हुए, योगी जी और मोदी जी के काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मैं इन सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मोहर्रम अली पप्पू हमारे 2014 के दंगे के मुख्य आरोपी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, जिस प्रकार का नंगा नाच दंगइयों ने उस सरकार के संरक्षण में, समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में करके हमारे हिंदू समाज की दुकानों को जलाने का, उसमें सभी वर्गों के लोग थे, सभी जातियों के लोगों की दुकानें थी, एक बहुत बड़ा दंगा सहारनपुर में किया, लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ और उसके मुख्य आरोपी थे मोहर्रम अली पप्पू। हमने हमेशा से कहा कि ये संरक्षण मोहर्रम अली पप्पू को समाजवादी पार्टी का रहा है और उनके संरक्षण में ही ये काम हुआ है। समाजवादी पार्टी भी उतनी ही दोषी है जितना मोहर्रम अली पप्पू। आज पुणे उसे समाजवादी पार्टी में शामिल करके उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि समाजवादी पार्टी दंगइयों के साथ है। जिसके सिर पर लाल टोपी वो दंगइयों के साथ, उनका दंगइयों के हाथ में हाथ। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज सहारनपुर की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने समाजवादी पार्टी का चरित्र देख लिया है और इसलिए संपूर्ण समाज एकमत होकर मोदी और योगी को सपोर्ट करेगा, जो दंगइयों पर लगाम लगाते हैं, दंगइयों के घर पर और माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे WhatsApp नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।